और कसौली आने का मेन रीजन चिका और ऐश तो ऑलरेडी मतलब वनिता को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जगह है शांतिपुर, जहाँ सीरियसली इतनी ज्यादा शांति है। और कसौली आने का मेन रीज़न, एक तो ऑब्वियसली ये रीज़न है कि 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 9 साल पहले मैं और विजेंद्र आए थे कसौली। तभी हमारे पास ऑब्वियसली चिका ऐश नहीं थे, हमारी तभी नई शादी हुई थी, तो हमें वो मेमोरीज रिलीव करने थे। तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हम बसों और ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे, जिसका एक अपना मजा था। तब हमने सारी टूरिस्टी चीजें की थी, जैसे साइट सीइंग करना, हेरिटेज मार्केट में कसौली के फेमस समोसे और टिक्की खाना, मॉल रोड पे शॉपिंग करना, देर रात तक पार्टी करना कि जैसे कोई सुबह ही ना हो। तो हमने सोचा कि हिमाचल आ ही रहे हैं, तो चिका ऐश को भी लेके आए एक नई जगह पे। और दूसरी ये बात कि हमारी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे वनिता, तो उससे आज हम मिलने जा रहे हैं। तो ये फोटो में जो आप देख रहे हो सबसे लेफ्ट में, वो है वनिता के हस्बैंड, उनका होटल है कसौली में, तो वहीं हम रहे थे जब हम गए थे कसौली 9-10 साल पहले, और वहीं से हमारे फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। हम फेसबुक के थ्रू टच में थे, फिर वनिता से बस हम इंस्टाग्राम में ही टच में थे, और उसे हम पहली बार मिले लास्ट ईयर जब वो पुणे आई थी, और स्पेशली चिका ऐसे मिलने आई वो हमारे घर। और वो कहते हैं ना, जैसे कोई कोई लोगों के साथ आप सालों बीत जाए फिर भी कोई कनेक्शन बना नहीं पाते हो, और कोई कोई लोगों से आप बस मिलते ही एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। तो वनिता एक ऐसी हमारी इंस्टेंट कनेक्शन वाली फ्रेंड बन, तो इसलिए ये भी एक रीजन था कसौली आने का। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, वनिता से मिले, गाड़ी ऊपर पार्क की है, तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करके जाना है नीचे। चिका और ऐश तो ऑलरेडी मतलब वनिता को फॉलो कर रहे हैं, तो हम तो स्लो स्लो जा रहे हैं, बिकॉज एकदम पत्थर पत्थर वाला रास्ता है और शूट भी करना है। नीचे जाते हैं, और इनका जो घर है वो होम स्टे भी है, बट इनका एक डॉग है जो शेरू नाम का, वो आता जाता रहता है उन्होंने कहा, तो हम लोग को लगा कि वो भी अनकंफर्टेबल रहेगा और चिका ऐश भी अनकंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा टेरिटोरियल होता है, वनिता ने कहा था। बट अगर आप विदाउट डॉग्स आना चाहे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रह सकते हैं, बहुत शांत जगह है और कसौली के पास में है। तो ये है शांतिपुर, वाह क्या मस्त। चिटू ये इकड़े आज सर। तो ये जगह है शांतिपुर, जहाँ सीरियसली इतनी ज़्यादा शांति है, और क्या जगह है, माय गॉड, पूरे व्यूज़ बहुत सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। और ये है घर,
जो मैंने बताया शेरू वो यहाँ पे है नहीं आज, तो इसलिए ये मस्त ऑफ लीश घूम रहे हैं। यहाँ से व्यू तो देखो, ये देखो व्यू कितना खूबसूरत है। और डॉग्स के लिए तो बेस्ट है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो ये पूरा व्यू दिखाई देता है। ऐश पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे सब वनिता ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, तो हल्दी और कद्दू और क्या क्या बताया, ऑनियंस वगैरह सब कुछ लगाया गया है, खीरा। मैड गर्ल तू थांब, इकडेच थांब, इकडेच थांब। तो एक छोटी सी मुलाकात करके ढेर सारी यादें और प्यार लेके हम वहां से निकल चुके हमारे होम स्टे की तरफ। मुलाकात चाहे छोटी थी पर दोस्ती ऐसी कि कुछ बताना या जताना ना पड़े, जिसे कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं, जिसके सामने आप बस जैसे हो वैसे ही हो। और जहाँ पे गपशप हमने खत्म की अगली बार वहीं से शुरुआत करेंगे, चाहे वो महीनों या सालों बाद मिलना हो। एक दोस्ती ऐसी भी। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसे आप ट्रैवल के दौरान मिले और जिसे आपका इंस्टेंट कनेक्शन बन गया हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्ती यारी के किस्से तो हमें सुनना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चुनते हैं, है कि नहीं? होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और चीका ऐश की तरफ से और हम दोनों की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको।